कोरोना वायरस के चलते जहां हर जगह लोग अपने अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं छतरपुर ज़िले के लोकुश नगर में कुछ समाज सेवी लोग आगे आए हैं और गरीब तबके के लोग और ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग कर रहे हैं और घर घर जाकर उनको भोजन सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त पूरा देश इस महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है, ऐसे में जहां शासन प्रशासन अपने स्तर पर पूरा सहयोग और मदद करने में आगे आ रहा है, तो ऐसे समाज सेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि जिससे देख रेख में नगर के समाज सेवी गण जिन्होंने अपनी इच्छा से सामने आए हुए हैं, उनकी इच्छा शक्ति से सब लोग मिलकर के यह प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब के घर में दो टाइप के पैकेट बनाए गए हैं कि जिनको राशन शासन से मिल रहा है उनको हम लोग सिर्फ सब्जी नमक और दाल दे रहे हैं, और जिनको शासन से राशन प्राप्त नहीं होता है उनको साथ में आटा भी दे रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब, इस योजना का लक्ष्य हम लोगों का मुख्य यह है कि कोई भी गरीब असहाय वृद्ध लोग जो घर से निकल नहीं सकते हैं उनको किसी भी प्रकार से खाने की दिक्कत ना जाए। कितने लोगों को रोज यहाँ वितरण कर रहे हैं? पर डे का लक्ष्य 100 से 150 पैकेट का रखा गया है, कल का वितरण जो है 100 पैकेट का किया गया है, आज भी 100 पैकेट का वितरण का लक्ष्य है। ये जो है जो वैश्विक महामारी आई हुई है उसको देखते हुए लोकुश नगर क्षेत्र में कहीं भी कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में ना रहे, इसके लिए जो नगर के समाज सेवी हैं वो लोग सब लोग मिल के सबके सहयोग से ये काम हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको घर घर उनके घर घर ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। कितने लोगों को ये सामग्री? ये अभी कल से ही प्रारंभ किया है, तो कल 100 लोगों को ये सामग्री भेजी गई है। आज भी जो 100 लोग चिन्हित हुए हैं, ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है कि मोहल्ले बाई मोहल्ले एक सूची आ जाती है, उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि इन घरों में दिक्कत है, हम लोग उनको चिन्हित करके उन घरों में भेजते हैं ये सामग्री। इसमें हमारे रजनी सोनी जी, हमारे टिंकू राजा जी, हमारे मुन्ना राजपूत जी, शिव पूजन अवस्थी जी, पप्पू अहरवाल जी, मोनू खरे जी एवं समस्त पत्रकार बंधु, और चूँकि आप चैनल के साथ साथ इस काम में भी सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और हमारे समाज से भी सभी लोग बधाई के पात्र हैं और ये नगर भी बधाई के पात्र हैं कि इतनी विषम परिस्थिति में भी सब लोग मानवीयता के आधार पर सहयोग कर रहे हैं।